Hello guys, welcome to my YouTube channels. In this video I am going to talk about throw keywords. वैसे कि जावा में सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग को पढ़ना चाहिए. बच्चे हमेशा हमसे पूछते हैं कि सर कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोग के जावा के लिए इंटरव्यू के लिए. तो सिंपली मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग को उप्स कंसेप्ट आनी चाहिए, आप लोग को एक्सेप्शन हैंडलिंग आना चाहिए, कलेक्शन आनी चाहिए, मल्टी थ्रेड आना चाहिए. तो ये जो चार टॉपिक है कलेक्शन मल्टी थ्रेड और कलेक्शन मल्टी थ्रेड उप्स कंसेप्ट और एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये ज़्यादातर बच्चों से पूछा जाता है और ज़्यादातर इसी से क्वेश्चंस हमारे इंटरव्यू में या हमारे किसी भी एग्जाम में आते हैं. तो सिंपली हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं और ऑलमोस्ट हम लोग ट्राई कैच फाइनली का एक कीवर्ड का यूज कर चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग में. नाउ हम लोग के पास एक नेक्स्ट कीवर्ड है थ्रो कीवर्ड. तो थ्रो कीवर्ड का यूज हम लोग कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं, कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और डेप्थ में उसके बारे में जानेंगे. ठीक है, देखो सबसे पहले अगर मुझे जानना हो कि हाँ थ्रो कीवर्ड क्या होता है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, जाऊँगा सीधे गूगल पे और सर्च करूँगा थ्रो. देखो पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप चीज़ों को समझ सकते हो. तो थ्रो कीवर्ड इन जावा, अब जैसे लिखोगे उसके बाद आपको आएगा थ्रो कीवर्ड. द थ्रो कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ए कस्टम एरर. देखो अब कुछ तो समझ में आया हमको कि हाँ थ्रो कीवर्ड का यूज करके हम लोग कस्टम एरर को क्रिएट कर सकते हैं. द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज टूगेदर विथ एन एक्सेप्शन टाइप. यहाँ पे देखो वहां पर देखो सही से, द थ्रो स्टेटमेंट इज यूज टूगेदर विथ एन एक्सेप्शन टाइप. देयर आर मेनी एक्सेप्शन टाइप अवेलेबल इन जावा लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, सिक्योरिटी एक्सेप्शन, मतलब बहुत सारे एक्सेप्शन हैं. लेकिन आप एक तरीके का एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हो थ्रो कीवर्ड से. तो आपको इतना पता चला, गुड. उसके बाद हम लोग इसको डेप्थ में और आपको बताएंगे हम कि थ्रो कीवर्ड होता क्या एक्चुअली. मान लो कि ये थ्रो कीवर्ड का हम लोग एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं थ्रो, THROW थ्रो कीवर्ड. तो ये जो कीवर्ड है और पेंट कर दो, ओके. सो पेंट यहां से उठाओ, ऐसे कर दो. तो थ्रो कीवर्ड, थ्रो कीवर्ड में क्या होता है कि हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे. देखो थ्रो कीवर्ड सिंपली होता है कि जैसे हम कोई वैल्यू को चेक करें कि जो वैल्यू है जो हम चाह रहे हैं वो है कि नहीं. अगर वो नहीं है तो हम लोग एक एक्सेप्शन थ्रो कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपको जाना है यहां से, आपने स्टार्ट किया यहां से जाना, अगर बात करें तो आप यहाँ पे आ जाओ और कुछ अलग कलर ले लो यार, एक कलर ले लो. ठीक है, यहाँ से आपने चलना शुरू किया. ठीक है, यहाँ से आप आ रहे हो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि आप चाह रहे हो कि इसमें हम चले जाएं, लेकिन आप जा नहीं पा रहे, आपको कुछ प्रॉब्लम हो गया. ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे थ्रो कर दोगे, थ्रो एक्सेप्शन. अगर आपको जो आप चाह रहे हो वही मिल रहा है तो आप सिंपली ऐसे ऐसे करके चले जाओगे, डेट इज कॉल्ड थ्रो एक्सेप्शन हैंडलिंग. ठीक है, तो सिंपली अगर इससे हमको लोग कोड से समझे तो देखो हम कोड करके आपको बताते हैं कि एक्चुअल में यूज कहाँ होता है कीवर्ड का, थ्रो कीवर्ड का. तो सिंपली एक हम लोग जावा क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं थ्रो
THROW, throws keyword, throw keyword. इसको कॉपी करो और सेव कर दो जहां पर भी आपके डायरेक्टरी में अवेलेबल है स्पेस. यू कैन सेव एंड जस्ट ओपन दिस वन. तो हम लोग इस फाइल में सेव करने वाले हैं, तो इसके अंदर चले जाएंगे और यहां से इसको हटा करके सेव कर देंगे. दैट्स इट. कंट्रोल वन आप प्रेस करोगे तो रन हो जाएगा, कंपाइल हो जाएगा, और कंट्रोल टू प्रेस करोगे तो आप रन हो जाएगा. या अच्छे से वर्क कर रहा है. अब देखो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि थ्रो कीवर्ड का यूज करते कहाँ. तो सिंपली यहाँ पे मान लो कि हम एक स्कैनर लिए, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर. स्कैनर एक क्लास है जिसके थ्रू हम लोग इनपुट ले सकते हैं यूजर से. तो स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर. यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट इन. गुड. और यहाँ पर लिखते हैं कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू लेते हैं उससे वैल्यू यूजर से डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट. दैट्स इट. ओके सी डॉट नेक्स्ट. तो हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगा जो भी यूजर डालेगा. हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ स्ट्रिंग जो वैल्यू है नेम डॉट डॉट इक्वल्स इक्वल्स या क्या करें इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नल. तो प्रिंट करो जो कुछ भी यूजर दिया है उसको प्रिंट कर दो. ठीक है, जो कुछ भी यूजर दिया है उसको प्रिंट कर दो. लाइक हेलो और उसका नाम प्रिंट कर दो प्लस नेम. अगर एक एल्स कंडीशन रहेगा, एल्स अगर कुछ नहीं दिया है तो उस कंडीशन में हम लोग इस सिचुएशन में डालेंगे और यहाँ पे करेंगे समथिंग रॉन्ग. क्या लिखेंगे, समथिंग डब्ल्यू आर ओ एन जी समथिंग रॉन्ग. या इसको अगर आप दे दो तो इसके बाद आप दोगे कि थ्रो थ्रो एक्सेप्शन एक्सेप्शन. और एक्सेप्शन के बॉडी में आप जो कुछ भी स्ट्रिंग पास करोगे जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन एक्सेप्शन. और यहाँ पे ऐसे ही आप थ्रू नहीं करोगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे न्यू के थ्रू और तब थ्रू करोगे. तो इसको बोलते हैं थ्रू कीवर्ड का यूज. और हम अपने सिचुएशन क्रिएट करके एक्सेप्शन को थ्रो कर दिया. तो ई एक्सेप्शन जो है ई कस्टम, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सेप्शन है. आप एक्सेप्शन खुद से बना भी सकते हो, एक्सेप्शन क्लास बना सकते हो. तो यहाँ पे लिखा है कि अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी काउट और डिक्लेयर टू बी द थ्रोन टी एच आर ओ डब्ल्यू एन थ्रोन या थ्रो न्यू एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन टी एच आर ओ डब्ल्यू एन थ्रोन थ्रो एक्सेप्शन थ्रो कैनॉट फाइंड सिंपल थ्रो एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन सिंपल मेथड एक्सेप्शन स्ट्रिंग. ओके सो न्यू तो आपको लिखना ही पड़ेगा एक्सेप्शन. और आप जो स्टेटमेंट पास कर रहे हो इसमें कुछ भी पास कर दो. क्यों इधर दे रहा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन एक्सेप्शन मस्ट बी काउट और डिक्लेयर टू बी द थ्रोन. ओके इसको कोई हैंडल नहीं कर रहा है, एक्सेप्शन जो थ्रो हो रहा है इसको एक्चुअली कोई हैंडल नहीं कर रहा है. तो इसको हैंडल करने के लिए भी होना चाहिए. तो यहाँ पे लिखोगे टी एच आर ओ डब्ल्यू एस थ्रोज थ्रोज एक्सेप्शन थ्रोज एक्सेप्शन. देखो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आया. देखो
ये चीज़ें होती क्या है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। जैसे कि आप अभी ना प्रिंस डालोगे और जाएगा हेलो प्रिंस। चीज़ें ये है कि जैसे कि मान लो कि कोई बंदा आया और थ्रो कर दिया एक्सेप्शन, तो अगर कोई उसको हैंडल ही नहीं कर रहा तो फिर प्रॉब्लम है भाई। उसको कोई तो हैंडल करना चाहिए कि हाँ ये थ्रोन किसके पास जाएगा, ठीक है। तो इस थ्रो को एक्सेस मतलब कि हैंडल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं थ्रोज। अगर इस मेन मेथड के पास ऐसा कैपेबिलिटी होता कि कोई अलग मेथड में लिखा हुआ रहता और यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल होता तो थ्रो करने का जरूरत नहीं था, ठीक है। तो थ्रो जब भी आप एक्सेप्शन करोगे किसी मेथड के अंदर से तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे थ्रो एक्सेप्शन, और ई एक्सेप्शन किसको जा रहा है, एक्सेप्शन क्लास को जा रहा है, एक्सेप्शन के पास आप लोग थ्रो कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो इस तरह के से हम लोग एक्सेप्शन को थ्रो भी कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, पढ़ो इसको, एनालाइज करो, समझना बहुत ज़रूरी है। मान लो यहाँ पे आप कुछ नहीं दे रहे हो और इंटर कर रहे हो, मान लो कि आप नल दे रहे हो, तो हेलो नल प्रेस एनीथिंग नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो ये चलेगा। और कब थ्रो करेगा यार, नॉट इक्वल टू प्रिंस, एक कंडीशन लेते हैं और प्रिंस, सो कैन नॉट फाइंड सिंबल प्रिंस, ओके, सो डॉट ई क्यू यू ए एल एस इक्वल्स इक्वल्स ऑफ प्रिंस और यहाँ पर लेंगे प्रिंस, हेलो प्रिंस। सो ये क्या था, इक्वल्स तो चल गया था, इक्वल्स हो तो नहीं चले, फॉल्स कर दो उसको। तो अब देखो अब डालोगे आप तो क्या चलेगा, समथिंग रॉन्ग वाले प्रिंट किया, उसके बाद एक्सेप्शन इज द थ्रेड मेन, और आपने जो भी एक्सेप्शन का नाम दिया हुआ जैसे जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन नल पॉइंटर एक्सेप्शन वन, ये थ्रो कर देगा। आप यहाँ पे जो एक्सेप्शन का नाम लिखोगे नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं, प्रिंस टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज अकर्ड इन माय क्लास, ठीक है, सेव करो इसको। और जिसे ही रन करोगे और प्रिंस दोगे, देखो सो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग डॉट एक्सेप्शन प्रिंस टाइप ऑफ द एक्सेप्शन इज अकर्ड इन माई क्लास। तो आप ऐसे थ्रो भी करवा सकते हो अपने नाम का एक्सेप्शन थ्रो कीबोर्ड से, ठीक है। तो सारी चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में थ्रोज कीबोर्ड के बारे में पढ़ने के बाद हम लोग कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं, हम लोग कैसे कस्टम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें सिंपल था कि हाँ कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, थ्रो का यूज कैसे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप समझ लो कि हाँ थ्रो का यूज हम लोग ऐसे करते हैं, थ्रो और न्यू और एनी एक्सेप्शन टाइप जो आपके पास हो उसको लिख दो यहाँ पे, उसके पैरामीटर में जो कुछ पास करना है पास कर दो, डेट्स इट, यू कैन हैंडल इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो मुझे अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।